टीचर्स अटोनमी टीचर की जो अटोनमी है और इंडिपेंडेंस है वो बहुत अहमियत रखती है अगर हम सोशल एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स पर तवज्जो देना चाहते हैं आमतौर पर टीचर का जो क्लासरूम में किरदार है वो बहुत डिबेटेबल है टीचर जो है वो क्लासरूम में जो परफॉर्मेंस दे रहा है या दे रही है उसका बुनियादी मकसद क्या है अगर मकसद सिर्फ पढ़ाना है और तदरीस पर जोर देना है या तदरीसी अमल पर फोकस करना है तो वहाँ पर फिर जो फीलिंग्स का एस्पेक्ट है वो निगेट हो जाता है फिर तो जो टीचर्स हैं दे आर जस्ट इम्प्लीमेंटर्स इन द क्लास टीचर्स जो हैं अगर इम्प्लीमेंटर्स हैं क्लास में तो वहाँ पर फिर सोशल एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स जो हैं वो ज़रूरी नहीं हैं क्योंकि टीचर ने तो एक लेसन प्लान बनाना है उसको इम्प्लीमेंट करना है उसकी असेसमेंट करनी है स्टूडेंट्स को एक स्पेसिफिक ग्रेड देना है और उनका काम खत्म हो जाना है तो अगर यह रोल है टीचर का तो फिर वहां पर सोशल एंड इमोशनल लर्निंग नहीं हो सकती टीचर जो है उनको बतौर फैसिलिटेटर्स, बतौर गाइड्स बतौर काउंसलर्स और बतौर जो है बतौर पेरेंट्स भी क्लासरूम में किरदार अदा करना है सो वी नीड टू लुक एट द रोल ऑफ टीचर इन टोटेलिटी अ टीचर इज नॉट जस्ट द इंप्लीमेंट इंप्लीमेंटर ऑफ अ लेसन प्लान टीचर इज नॉट जस्ट देयर टू फिनिश द सिलेबस अ टीचर हैज अ रोल टू प्ले इन द क्लासरूम एंड दिस मेगा रोल इंक्लूड्स अदर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवेलपमेंट बट फॉर दैट अ टीचर नीड्स टू बी प्रोफेशनली ट्रेन्ड अ टीचर नीड्स टू बी एडेप्ट सर्टन क्वालिटीज वहां पर टीचर प्रेपरेशन प्रोग्राम्स जो हैं वो बहुत जरूरी हैं क्योंकि टीचर प्रेपरेशन प्रोग्राम्स में आम तौर पर बेहोरियल एस्पेक्ट्स पर ज़्यादा बात नहीं होती सोशल एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स पर ज़्यादा बात नहीं होती तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है ये एक कॉन्टीन्यूस जो है अमल है और प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है इसको प्रियोडिक होना चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर साल में किसी टीचर ने दो वर्कशॉप्स अटेंड की तो ये नाकाफी है टीचर्स जो हैं उनकी कॉन्टीन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है ये बहुत ज़रूरी है और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हैं जिनमें प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल्स और दूसरे स्टेक होल्डर्स जो स्कूल के इंटरेस्ट्स को वॉच कर रहे होते हैं उनका टीचर्स को एक्टिवली प्रोफेशनल डेवलपमेंट कराना जो है ज़रूरी है और ये उनकी जिम्मेदारी भी है क्योंकि प्रॉब्लम्स आर मैनी इन द स्कूल एंड समाइम्स टीचर्स आर नॉट रेडी टू फेस दोज प्रॉब्लम्स एंड फॉर दैट प्रोफेशनल ट्रेनिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट स्टूडेंट और टीचर्स जो हैं उनके बेहतर रवाबत के लिए यह जरूरी है कि टीचर्स को प्रॉपरली गाइड किया जाए और उनके लिए ऐसे प्रोग्राम्स का इनका किया जाए जिसमें सोशल एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स जो हैं उनको उजागर किया जाए हम जब टीचर्स से बात करते हैं तो आम तौर पर हैरत का इजहार किया जाता है कि क्या ये प्रोग्राम्स जो हैं जिनमें सोशल एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स आ जाते हैं इन पर बात करनी या इन पर फोकस करना भी टीचर्स की जिम्मेदारी है तो ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के जरिए ही हम इन पर फोकस कर सकते हैं और तवज्जो दे सकते हैं क्योंकि ऐसे प्रोग्राम्स जो हैं वो टीचर्स में सोशल कॉन्शियसनेस लेकर आते हैं एंड दिस सोशल कॉन्शियसनेस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वेन इट कम्स डाउन टू टीचिंग एट द क्लासरूम लेवल स्टूडेंट्स के ऐसे बहुत से मसाइल हैं जो दौराने तदरीस सामने आते हैं तो वहां पर तदरीसी अमल रोका नहीं जा सकता तदरीसी अमल को जारी रखते हुए टीचर ने और मसाइल जो हैं उनको हल करना होता है तो उन उन मसाइल का हल तभी मुमकिन है जब टीचर्स जो हैं वो भरपूर तरीके से पेशा वाराना महारत रखते हुए इनका इस्तेमाल कर सकते हैं और इनके हल की तरफ आ सकते हैं तो वहां पर जो जरूरी बात है वो ये कि उनको आइडियाज़ कहाँ से मिल रहे हैं वो आइडियाज जो हैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम से मिलेंगे तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो हैं उनका स्कूल में होना टीचर्स को वर्कशॉप्स पे भेजना स्कूल में वर्कशॉप्स का इनका करना कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार्स पर भेजना टीचर्स को प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम्स पर भेजना ये सब जो हैं ये बहुत जरूरी है सो इफ़ यू वॉन्ट अ गुड इंटेग्रेशन ऑफ एस सी एल एंड द्रिकुल प्रोफेशनल ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स इज नेसेसरी